शहर की बदहाली और कांग्रेस सरकार की भ्रष्टाचार नीति के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा ने शहर में बाइक रैली निकाली। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष जीत हेमचंद यादव के नेतृत्व में दुर्ग भाजपा कार्यालय से कांग्रेस की भ्रष्टाचार के खिलाफ बाइक रैली निकाली, जिसमें लोगों को अपना संदेश देते आगामी चुनाव में भाजपा की सरकार बनाने आह्वान का नारा लगाया गया। इस अवसर पर युवा मोर्चा के अध्यक्ष जीत हेमचंद यादव के साथ बिहार के विधायक मिथिलेश कुमार और भाजपा के जिला अध्यक्ष जितेन वर्मा भी शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा कार्यालय से बाइक रैली का आगाज कर शहर के मुख्य मार्गों से होकर बाइक रैली दुर्ग के पटेल चौक पहुंची, जहां उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नारेबाजी की। इस अवसर पर बिहार के विधायक मिथिलेश कुमार, युवा मोर्चा के अध्यक्ष जीत हेमचंद यादव और जिला अध्यक्ष जितेन वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बाइक रैली निकाली गई, जो बिहार से विधायक जी आए हैं मिथिलेश कुमार जी, उनके साथ हम लोग ने रैली निकाली है। ये जन आक्रोश रैली थी, जो जनता के लिए ये कांग्रेस सरकार ने पूरे 4.5 साल में जो भ्रष्टाचार किए हैं उनको जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई थी। जिन्होंने व्यापक घोटाला किया है, युवाओं के साथ जो छल किया है, 2500 रुपये देंगे करके जो छलावा किया है, ये सब जनता को दिखाने के लिए, जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई थी भाजपा द्वारा। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे पूरे छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में हमारे हिंदुस्तान के जो छत्तीसगढ़ के विधायक हैं, इन लोगों को पार्टी के जनाधार बढ़ाने के लिए और ज़मीनी हकीकत टटोलने के लिए और संगठन को मजबूत करने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में एक एक विधायक भेजे हैं। हम दुर्गवासियों के सौभाग्य है कि हमको बिहार से आदरणीय मिथिलेश जी मिले हैं, जो कि बहुत सहज और सरल हैं और काफ़ी पार्टी के नीति रीति के जानकार हैं। वो आए हैं, उनके आज आखिरी दिन हैं। तो आखिरी दिन में बाइक रैली के माध्यम से युवा मोर्चा के जो हमारे जंबाज सिपाही हैं, इन लोगों को विधानसभा में बाइक रैली निकालना है, तो उसी उद्देश्य के लिए हम सब आज युवा मोर्चा के हमारे जिगर के टुकड़ों के साथ में बाइक रैली में निकले हैं। भाजपा तो कैडर बेस्ड पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में प्राथमिक सदस्य को भी टिकट दे देते हैं तो उसको विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक के बनते हैं। देखे हैं चाय बेचने वाले और उस लाडली माँ के सुपुत्र को भी देखे हैं, जो देश के ही नहीं विश्व के सबसे बड़े नेता है। कांग्रेस के रही सवाल, तो कांग्रेस में एप्लीकेशन नहीं करना चाहिए, ये परिवारवाद का बोलबाला वाले पार्टी है। मोतीलाल जी के बाद में अरुण वोरा जी हैं, अरुण वोरा जी के बाद में मतलब किसी नए कांग्रेसी को टिकट मिलना नहीं है, बेचारे लोग व्यर्थ में अपना ऊर्जा गंवा रहे हैं। जिलाध्यक्ष, इस बार पेड़ बबूल के और आम कहाँ से आए, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ईडी जैसे जो स्वतंत्र संस्था है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में नहीं बना है, कांग्रेस के ही शासनकाल था तब से बना है और सबको पढ़ा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के यहाँ तो कई बार पड़े हैं, कई छापे मरवाए हैं। छत्तीसगढ़ में एक भी बीजेपी नेताओं के यहाँ ईडी छापे नहीं पड़े। ईडी छापा इसलिए छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं के यहाँ नहीं पड़े कि आज़ादी के बाद से कांग्रेसी लोग शासनकाल किए हैं और डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 साल के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता ने भ्रष्टाचार नहीं किया है। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ आप सबके मीडिया के माध्यम से, भूपेश बघेल जी हाथ में हाथ धरे क्यों हैं? 4 साल 9 महीने बीत गए, अगर बीजेपी वालों ने भ्रष्टाचार किया है तो छापे मारना चाहिए। एक मुद्दा और कह रहा हूँ, झीरम कांड में बोलते थे प्रमाण रखा हूँ, कहाँ है भूपेश जी? 4 साल 10 महीने हो गए आपके झीरम में। हम उन शहीदों को नमन करते हैं छत्तीसगढ़ महतारी के, इतने लोगों के जाने गए, क्यों पकड़ के रखे हैं आप? बीजेपी के बोलते हैं छापा पड़े हैं, आपके लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो छापा पड़े हैं। ये तो निरंतर चलने वाले स्वतंत्र एजेंसी हैं ईडी। ये जो छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचारी सरकार है, जो किसानों का हकमारी करती है, बेरोजगारों का हकमारी करती है, नशा पान को बढ़ावा देती है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर दी हुई है, 400 से ऊपर करोड़ का, 432 करोड़ का गोबर खरीदी, और किसान यहाँ बता रहे हैं कि 90% मिट्टी और 10% मात्र कंपोस्ट खाद मिला हुआ हम लोग अपने धान में छिड़काव करते हैं। गर्मी के दिनों में जो हमारे धान का उपज होता है उसकी खरीदगी नहीं की जाती है, केसीसी के पैसे से बीमा की राशि काटी जाती है लेकिन फसल का बीमा हम लोग को नहीं मिलता है। तो महिलाएं कहती है कि यहाँ से लेके भिलाई जाने के रास्ते में भी हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। तो ये असुरक्षा का माहौल
जो हमारी भाजपा की सरकार थी, रमन सिंह जी के सरकार में महिलाएं सुरक्षा महसूस करती थी, आज महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। नौजवान दिग्भ्रमित होकर नशा पान कर रहे हैं, नशेड़ी बन रहे हैं। इस सरकार नीति विहीन सरकार है, दिशा विहीन सरकार है और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा इस सरकार ने कर दी है। जहाँ नगर निगम में ई टेंडरिंग होता था, वहाँ अपने लोगों को भर्ती करने के लिए मैनुअल टेंडरिंग कर दिए हैं। तमाम भ्रष्टाचार के कायदों को पूरा करने में लगे हुए हैं भ्रष्टाचारी सरकार। लगातार जो है दुर्ग शहर में परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि दुर्ग शहर में इतिहास बनेगा। आज़ादी के बाद आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं इस विधानसभा में, उसमें जो विजयी उम्मीदवार हुए हैं और जो मत हासिल किए हैं, उन तमाम मतों का रिकॉर्ड तोड़ेगी इस बार दुर्ग विधानसभा। इस बार दुर्ग विधानसभा की जनता, महिलाएं, नौजवान, छात्र, सभी ने यह संकल्प लिया है कि दुर्ग विधानसभा से ही शुरू होगा छत्तीसगढ़ में भाजपा का सरकार की स्थापना का कार्यक्रम। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।